आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट को मैं रीड आउट कर देता हूँ आप सभी के लिए। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अधिकतर बच्चे जो हैं इन इंडिया, भारत में, नॉट एबल टू गेट एजुकेशन, वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। किस कारणवश? बिकॉज, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ रहा है, दे गेट एम्प्लॉयड, उन्हें रोजगार करना पड़ रहा है या कमाई करनी पड़ रही है। किसके लिए? अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए। कहाँ पर? उनके बचपन में ही, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि बहुत सारे, जो अधिकतर बच्चे हैं, वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें छोटी उम्र में काम करना पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोर्स ऑफ एक्शन भी दिए हुए हैं। तो चेक करते हैं दोनों कोर्स ऑफ एक्शन को, कि वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहते हैं। अब क्योंकि वो किस वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, छोटी उम्र में काम करने की वजह से, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी, ठीक है। एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया जाना चाहिए फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए, अप टू द एज ऑफ 40, 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इससे ये चीज का सॉल्यूशन मिलेगा नहीं हमें, क्यों? क्योंकि अभी भी कंपल्सरी तो है ही सही बच्चों के लिए शिक्षा। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि वो बच्चे छोटी उम्र में कमाई करते हैं उनकी जीविका चलाने के लिए, इसलिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका, इस स्टेटमेंट से या इस कोर्स ऑफ एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन हम कर भी देंगे तब भी उन्हें जीविका के लिए कमाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो वो हमें ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि कमाने की वजह से, अर्निंग की वजह से वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सफिशिएंट नहीं हुआ, तो मैं इसे रॉन्ग कर देता हूँ। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बैन कर देना चाहिए, काम को बैन कर देना चाहिए, ठीक है। पर ये तो अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, इसको बैन तो किया जा सकता है, लेकिन इससे क्या उन्हें एजुकेशन मिल जाएगा? इससे एजुकेशन मिलने में उन्हें वापस दिक्कत आएगी, क्योंकि उनके पास अब काम भी नहीं रहेगा, और काम नहीं है उनके पास, इसलिए तो उन्हें काम करना पड़ रहा है पढ़ने की जगह, ठीक है। तो या तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए इसमें कि उन्हें काम नहीं करना पड़े, उनके लिए थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाए, और उसकी जगह उन्हें पढ़ना पड़े, उसकी जगह उन्हें पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये बैन करने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि उन्हें जो एजुकेशन है वो काम नहीं करने की, काम करने की वजह से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो बैन तो अभी भी है 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करना, ठीक है। तो इससे वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, एजुकेशन के लिए हमें कुछ और पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सेकेंड है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं है, वो भी ठीक नहीं है एक तरीके से। तो ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही नहीं है, तो हमारा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट भी गलत होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड और बोथ भी रॉन्ग होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा बच्चों, वो फाइनल आंसर बनेगा नाइदर कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है, कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।